हूं आपके साथ शशि शुक्ला। सूबा बोलेंगे में आज हम बात करेंगे यूपी का हैवान के। उत्तर प्रदेश में बाल यौन शोषण का ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे सूबे को हिला कर रख दिया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 50 बच्चों का यौन शोषण 3 जिलों में बीते लंबे वक्त से हो रहा था और बच्चों का यौन शोषण की पूरी तस्वीरें पॉर्न साइट्स पर भी आरोपी डाल रहा था। सूबा बोलेगा में इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं यूपी के हैवान की पूरी दास्तान। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में अपनी हैवानियत दिखाने वाला जूनियर इंजीनियर अब सीबीआई के शिकंजे में है, लेकिन हैवानियत का जो घिनौना चेहरा सामने आया है उसने सबको सन्न कर दिया है। एक बार फिर निठारी कांड की यादें ताजा हो गई हैं। यूपी के सिंचाई विभाग में चित्रकूट में तैनात जूनियर इंजीनियर राम भवन की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी होने के बाद विभाग ने उसे सस्पेंड कर दिया है। सीबीआई की टीम ने उसे बांदा से गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने आरोपी जूनियर इंजीनियर राम भवन को मंगलवार को जिला न्यायालय में पेश किया। अधिकारियों के मुताबिक यौन शोषण के इस घिनौने कृत्य के लिए आरोपी जेई ने लगभग 50 बच्चों को अपना शिकार बनाया। इन बच्चों की उम्र 5 से 16 साल की थी। पीड़ित बच्चे ज्यादातर बांदा, चित्रकूट और हमीरपुर के रहने वाले थे। अधिकारियों के मुताबिक सिंचाई विभाग में तैनात आरोपी करीब 10 साल से गंदा काम कर रहा था। आरोपी अपने विभाग के काम से अलग कथित तौर पर ऑनलाइन वीडियो और फोटोग्राफ की बिक्री भी करता था। उसने बच्चों का शारीरिक शोषण तो किया ही, साथ ही अपने इस गंदे काम में मोबाइल फोन, लैपटॉप और बाकी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का भी इस्तेमाल किया। इसके जरिए वो बाल यौन शोषण वाली तस्वीरें और वीडियो फिल्मों को इंटरनेट के जरिए पॉर्न साइट पर बेचता था। आरोप ये भी है कि राम भवन ने कई और लोगों के साथ मिलकर आपत्तिजनक सामग्री की बिक्री की, प्रसारण और साझाकरण के लिए डार्क वेब का भी इस्तेमाल किया। अधिकारियों के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने यह भी बताया कि वह इस घिनौने कृत्य को छिपाने के लिए पीड़ित बच्चों को पैसा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण समेत कई और चीजें भी देता था। सीबीआई की टीम ने चित्रकूट में जूनियर इंजीनियर और उसके साथियों के घरों की तलाशी ली। यहां से उन्हें करीब 8 लाख रुपए नकद, 12 मोबाइल फोन, लैपटॉप, वेब कैमरा मिला। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस जिनमें पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और भारी मात्रा में चाइल्ड सेक्स एब्यूज मटेरियल बरामद हुए। आरोपी जूनियर इंजीनियर राम भवन को सीबीआई ने आज बांदा कोर्ट में पेश किया। सीबीआई ने आरोपी से पूछताछ करने के लिए अदालत से 5 दिन के रिमांड के लिए अर्जी लगाई, लेकिन आरोपी के वकील ने पत्रावली पढ़ने का समय मांगा। इसके चलते कोर्ट ने रिमांड पर सुनवाई के लिए 19 नवंबर की तारीख दे दी। सूत्रों के अनुसार आरोपी इंजीनियर जिन 50 से अधिक बच्चों को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया, 30 बच्चे चित्रकूट जिले से और 25 बच्चे बांदा जिले से हैं। आरोपी ज्यादातर रिश्तेदार और परिवार के बच्चों का यौन शोषण करता था। जेई की शादी 2007 में हुई थी, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं है। वह 2013 में अपने भाई के लड़के को अपने साथ लेकर आया था और एसडीएम कॉलोनी पर किराए के मकान में रहता था। सीबीआई की पूछताछ में आरोपी राम भवन ने बताया कि वह 5 से 16 साल के बच्चों को शिकार बनाता था। उन्हें जाल में फंसाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का लालच देता था। आरोपी राम भवन ने जिस हैवानियत को अंजाम दिया उसने पूरे सूबे को सख्ते में डाल दिया है और सूबा इंसाफ मांग रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। जूनियर इंजीनियर राम भवन का गंदा खेल आपने देखा, किस तरीके से ये बच्चों को शिकार बनाता था और अब तक कितने बच्चों को इसने अपना शिकार बनाया आपको बताते चले। 50 बच्चों को इसने अपना शिकार बनाया, काफी समझदारी के साथ ही इन पूरी वारदात को इसने अंजाम दिया और कहीं ना कहीं इसके साथ कई सारे लोग भी मिले हुए हो सकते हैं। जो सरकारी आवास मिला था उसमें ना रह करके प्राइवेट घर खरीदा करता उसने खरीदा और उसके बाद उसमें इसने ये जो गंदे काम है उन वारदातों को अंजाम दिया। 10 साल से ये गंदा खेल राम भवन खेल रहा था, 50 बच्चों को इसने अपना शिकार बनाया है।
और आज सुबह बोलेगा मैं चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर के सिंह मनोचिकित्सक लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विशेष गुप्ता अध्यक्ष बाल संरक्षण आयोग के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। विशेष गुप्ता जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। काफी समय से 50 बच्चों को अपना शिकार बनाता है जूनियर इंजीनियर राम भवन। कितना गंदा कुकर्म इसने बच्चों के साथ किया है, इसको लेकर क्या कहना है आपका? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मुद्दे को उठाया और इस मुद्दे को सतह पर लाया। वैसे सारे समाचार पत्रों में आज ये बहुत तेजी से छपा है, बाल संरक्षण आयोग ने भी इसका संज्ञान लिया। हमें इसके पीछे छुपी हुई इस मानसिकता को जानना पड़ेगा कि उसकी अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को, फ्रस्ट्रेशन को किस प्रकार से उसने बच्चों पर उतारा और किस प्रकार से उसने कारोबार के रूप में उसको विकसित किया। हम सभी जानते हैं कि कोविड काल में, मैं चूंकि लिखता भी हूं तमाम समाचार पत्रों के लिए और बाल संरक्षण आयोग के माध्यम से भी, और NCPCR ने भी एक नोटिस दिया तमाम साइट्स को कि कोविड काल में जो पोर्नोग्राफिक लिटरेचर को देखने की जो प्रवृत्ति है वो दुगनी और तिगनी हो गई है जी। इसके लिए काफी चर्चा में है और काफी हम लोगों ने नोटिस दे रखे हैं। NCPCR ने भी इस मुद्दे को उठाया था। लेकिन अब हमें देखना ये पड़ेगा कि जिन बच्चों को शिकार बनाया है कोविड काल में, यार कोविड काल से पहले भी लंबे समय से ये इस प्रकार का कारोबार कर रहा है, हमारे बच्चे किस अकेलेपन के शिकार हैं, हमारे परिवार में बड़े बूढ़े नहीं हैं, हमारे पड़ोस बंद हो गए हैं, हमने चारों तरफ देखना बंद कर दिया है बिल्कुल। एक व्यक्ति इतना लंबा कारोबार कर रहा है पोर्नोग्राफी का, खराब लिटरेचर का, खराब बच्चों का इस्तेमाल करके उनकी तस्वीरों को बेचता है, और पोर्नोग्राफिक तमाम जो पूरा सिस्टम उसने विकसित किया है, कहीं ना कहीं जरूर जिस मोहल्ले में रहता होगा, जिस घर में रहता होगा, जिस आधार पर उसने सामान जुटाए होंगे, कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी सरकारों पर बाद में आती है। क्योंकि जब ये बात सतह पर आती है तो सरकार फिर अपना काम करती है, कानून अपना काम करता है, और वो दंडात्मक जो भी, चाहे वो पॉक्सो एक्ट हो, चाहे वो JJ एक्ट हो, उसके अंदर कार्रवाई होगी ही। लेकिन उससे पहले हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जिस मोहल्ले में, जिस समाज में वो रह रहा है, उस समाज में हमने थोड़ा सा देखना भी पड़ेगा, झांकना भी पड़ेगा कि कोई व्यक्ति इस पड़ोस में रह रहा है, आता जाता है, बच्चे आते जाते होंगे कहीं ना कहीं, उसके घर में कोई ना कोई रहता होगा, घर छोड़कर, बड़े मकान छोड़कर वो गांव में रह रहा है, आखिरकार एक जूनियर इंजीनियर है, क्यों रहता है? इसके पीछे हमें उन कारणों को भी जानना और समझना पड़ेगा जिसके पीछे ये प्रवृत्ति, उसकी निराशा, उसकी भग्नाशा हमारे बच्चों पर उतर रही है। बच्चों की, क्योंकि कोई आंदोलन नहीं होता, बच्चों की कोई एसोसिएशन नहीं होती, बच्चे अपनी आवाज को नहीं उठा सकते, इसलिए बच्चे को काल का ग्रास आसानी से बनाने की परंपरा विकसित हो रही है। तो हमें उन प्रवृत्तियों पे भी आने वाली बातचीत में कहीं ना कहीं हमें प्रकाश डालना पड़ेगा। बिल्कुल विकास गुप्ता जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। जिस तरीके से ये घिनौना खेल खेला गया, तो अब इसको समझने की जरूरत है कि आखिरकार क्यों इस तरीके का कुकर्म इसने किया और इतने सारे बच्चों को अपना शिकार बनाया। हमारे साथ अभिषेक वाजपेयी कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज इंडिया में। डॉक्टर के सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगे। जिस तरीके से इतना घिनौना काम जूनियर इंजीनियर ने किया है, 50 बच्चों को इसने अपना शिकार बनाया है, किस तरीके से, कैसे इसकी जो मानसिक स्थिति होगी, इतना घिनौना काम इसने किस तरीके से कर डाला, उसके बारे में आपसे थोड़ा जानना चाहूंगी। पहला हिस्सा इसका है आपराधिक कृत्य जी, दूसरा इसका है एक मानसिक बीमारी है जिसको पीडोफिलिया कहा जाता है। पीडोफिलिया क्या होता है, मैं मानसिक जो बीमारी है जी, उसके बारे में पहले बताऊंगा। बिल्कुल, पीडोफिलिया में क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो कम से कम 16 साल से उम्र के ज्यादा का हो जी, वो बच्चों के, छोटे बच्चों के, 13 साल तक के बच्चों को देख कर सेक्सुअली वो अट्रैक्ट होता है जी, और वो एक फैंटेसीज बनाता है, यानी काल्पनिक तौर से वो एक कल्पनाओं का सृजन करता है जी। एक पार्ट ये है, बहुत से लोग, ये कम से कम कहा गया है लिटरेचर में कि 1-2% लोगों को हो सकती है, लेकिन उसको वो कंट्रोल रखते हैं, अपना नियंत्रण में रखते हैं सामाजिक दायरे और आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए। कुछ लोगों को इस पे अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहता और वो असॉल्ट करते हैं या बच्चों को पकड़ते हैं, हमला करते हैं जी। तो वो बच्चे 13 साल तक के होते हैं, वो अपनी फैंटेसीज पूरी करने के लिए एक एबनॉर्मल मेंटल स्टेटस के मरीज हैं और वो उसको करते हैं। इस बीमारी का पता उनके, जिन लोग, जिसको होती है उसके घर के लोग ही 13-14-15 साल की उम्र से ये डेवलप होती है और 16 तक आते आते हो जाती है, तो उन लोगों को पता चल जाता है।
इसका इलाज अभी बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन ये बताया गया है इसमें काउंसलिंग, साइकेट्रिक हेल्प और कुछ दवाइयां आई है जो सेक्सुअल अर्ज को कम करती हैं, करके कंट्रोल रख सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम इसकी ये है कि जब वो असॉल्ट करता है या हमला करता है किसी पे, अपनी इस बीमारी को कंट्रोल न करके अपनी, अभिषेक वाजपेयी मैं आपकी बात सुनूंगी, अभी हम के सिंह जी की बात सुन लेते हैं। जी परेशानी ये है कि जब वो 50 बच्चों के साथ ऐसा करता रहा और लंबे समय तक करता रहा, तो उन बच्चों ने अपने घर में नहीं बताया, उनके घर के लोगों को कुछ नहीं पता चला, ये दिखाता है कि सामाजिक जागरूकता की बहुत अच्छे तरह से आवश्यकता है। अब तो वो चूंकि पकड़ गया है तो मुकदमे और जो कानूनी प्रक्रिया है वो तो होगी, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बचाव या उसकी तरफ से कोई कह सकता है कि उसे आप कम सजा दो, ये तो इसमें जो सबसे घोर सजा होती है नहीं होती है, तो कानून को प्रावधान करना चाहिए इसके बाद। लेकिन प्रश्न ये है, पहली बात तो बीमारी तो उसके घर के लोगों को देखना चाहिए, दूसरी बात जो सेक्स एजुकेशन कही जाती है या बच्चों के साथ गार्जियंस का इंटरेक्शन है, अब 50 बच्चों का कई साल तक ऐसा होता रहे और वो बच्चे अपने घर में ना बताएं, अपने गार्जियंस को ना बताएं, ये बात समझ से थोड़ी परे है। इसलिए सेक्स एजुकेशन की और बच्चों की जानकारी की बहुत जरूरत है। तीसरी बात पोर्नोग्राफिक साइट की, जैसे डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि अगर बच्चों का अननेचुरल सेक्स के कृत्य बच्चों के 13 साल से बच्चों के कम के ये दिखाए जा रहे हैं पोर्नोग्राफिक साइट पे, उस पे सरकार का जरूर नियंत्रण होना चाहिए। अगर वो आपको मैं बताऊं, ये असॉल्ट जो है या जो आपराधिक कृत्य है, अगर बच्चे की मर्जी से भी किया है किसी ने, चाहे वो उस सेक्स का हो चाहे दूसरे सेक्स का, तो भी ये आपराधिक कृत्य है, क्योंकि ये 13 साल से नीचे के बच्चों का किया जाता है और वो माइनर है, उसका ये कृत्य बिल्कुल भी आपराधिक है पूरी तरह से। तो अगर आपराधिक कृत्य है और पोर्नोग्राफिक साइट्स पे छोटे बच्चों का सेक्सुअल एक्ट दिखाई जा रही है, तो किसी भी तरह से की जा रही, चाहे कंसेंट या बिना कंसेंट के, तो वो तो आपराधिक है। पोर्नोग्राफिक साइट दिखाने वाला भी उसका दोषी है, और जो जो दिखाने दिया जा रहा है वो भी बहुत उचित नहीं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने ये बताई बीमारी के बारे में, के सिंह जी काफी गंभीर बीमारी है, और जिस तरीके से 50 बच्चों को अपना शिकार बनाया गया है, सोचने वाली बात है कि अब कैसे बच्चों को जागरूक करना पड़ेगा। अभिषेक वाजपेयी आप कुछ कहना चाहते थे, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए मैं कहना ये चाह रहा था कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के साथ कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि 50 से ज्यादा ऐसी घटनाएं होना यह आम बात नहीं हो सकती है। कहीं ना कहीं इसमें आसपास के या उसके कुछ और साथी भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जिनको इस बात की जानकारी रही होगी लेकिन उन्होंने अपने इंटरेस्ट के चक्कर से या अपने कुछ पर्सनल चीजों के रीजन के चक्कर से हो सकता है इस बात को जाहिर ना होने दिया हो। और मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से यह अपील करूंगा कि जितनी भी कठोर से कठोर सजा हो वो इसको मिलनी चाहिए, और ऐसी दंडनीय अपराध में उसको शामिल होना चाहिए कि ऐसे क्लॉजों में शामिल होना चाहिए कि आने वाली पुश्तें भी याद रखें कि हमारी मां बहन बेटी हर किसी के साथ कोई भी ऐसा शख्स काम करेगा या कोई भी अपराध करेगा 6 महीने तक से भी लेकर के उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अभिषेक वाजपेयी जी अब आप क्या करेंगे, इतना बड़ा मामला सामने आया है, 50 बच्चों को शिकार किया बनाया गया है, आपकी तरफ से क्या आवाज उठाई जाएगी, विरोध किया जाएगा, या फिर अभी तक तो कोई ट्वीट ट्वीट कोई सामने आया नहीं कि आपने इस मामले में कोई आवाज उठाई हो कि बच्चों को न्याय मिलना चाहिए? नहीं नहीं देखिए क्योंकि अपराधी अभी संज्ञान में आ चुका है और हमारी तरफ से एक डेलीगेट जाएगा, जो भी 50 या उससे ज्यादा जो लोग जिनके घर की हम क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते, जिन बहनों की बेटियों की हम क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते हैं, उनके घर जाएंगे, उनसे मिलेंगे, और मिलने के बाद तब आगे का प्रोसेस होगा कि हमें किस हिसाब से किसको क्या न्याय दिलाना है। क्योंकि इस अपराधी को दंडनीय अपराध तो ठीक है लेकिन फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं और अपनी पार्टी के नाते पार्टी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग करूंगा कि इसको फांसी की सजा से कम ना हो।
ठीक है, आपके पास आऊंगी और भी जानकारी लूंगी मैं। प्रीति जी आपके पास आना चाहूंगी, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं के न्यूज इंडिया में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रीति जी, जिस तरीके से ये वारदात सामने आई है, 50 बच्चों को शिकार बनाया गया, 50 बच्चों के साथ कुकर्म किया गया, बच्चों के भविष्य के साथ भी कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया गया है, क्या कहेंगे आप? विशेष गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से ये जो शैतान गिरफ्तार हुआ, इसके पास से कई सारे ऐसे उपकरण बरामद हुए हैं, 8 मोबाइल फोन्स का बरामद होना, कंप्यूटर बरामद किए गए, कई सारी ऐसी चीजें भी बरामद की गई हैं, तो कहीं ना कहीं नहीं लगता कि बहुत ही सावधानी के साथ इसने इन सारी चीजों को अंजाम दिया, इन सभी कुकर्मों को अंजाम दिया? जो भी पोर्नोग्राफिक उसने चाहे चित्र खींचे हो उसने या उनके साथ जो भी दुष्कर्म किया है उसका उसने प्रयोग किया है, और बाल संरक्षण आयोग इसका संज्ञान लेता है। हमारी प्रीति जी हमारे साथ है, अभी बुलंदशहर गई थी, बुलंदशहर में एक मामला हमारे सामने इसी प्रकार का आया था, फेस टू फेस, कि किस प्रकार से बच्चे को एक ट्यूटर ने उसको परेशान किया, उसका दुरुपयोग किया, उसका शोषण किया, और बच्चे ने घर आके बताया और बच्चा गुम रहने लगा, चुपचाप रहने लगा उसका, किस पर, छोटा बच्चा था, छोटे बच्चे को वो ट्यूशन पढ़ाती थी, और ट्यूशन पढ़ाने के बाद किस प्रकार से उसका शोषण किया, उस बच्चे ने धीरे धीरे बताया। हमारी प्रीति वर्मा जी हमारे साथ हैं, वो गई थी वहां पर, उन्होंने संज्ञान लिया और फिर वो डीएम के यहाँ पूरा का पूरा मुकदमा दर्ज हुआ, और वो मुकदमा दर्ज हो रहा है, और कहीं ना कहीं उस पर उसी प्रकार की पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई होने की तैयारी है। तो ऐसे बच्चे हमारे अभी जो साइकेटिस्ट महोदय ने, विशेषज्ञ ने कहा है, ये बात एकदम बड़ी जेन्यून है कि कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे हमारे कई किन परिवारों से थे, किन परिस्थितियों में उसने वो मोबाइल दिए उनको, किस प्रकार से समय भी उनका लगाया होगा, वो बच्चे क्यों उसके पास जाते थे, किस प्रकार से उसको लालच दिया जाता था। बाल संरक्षण आयोग इसका संज्ञान लेगा, और 50 बच्चों के पुनर्वासन के लिए किस प्रकार से काउंसलिंग हो सकती है, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत हर केसेस का कैसे मुकदमा हो सकता है, उनके परिवारों को शामिल इसमें करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं हम इसे एक्टिवेट करेंगे कि और बाकी लोग भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल हो, कोई अकेला व्यक्ति उसमें शामिल नहीं हो सकता, उसमें आईटी क्षेत्र के लोग हो सकते हैं, उसमें इंजीनियरिंग क्षेत्र के लोग हो सकते हैं, उसमें तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में लोग हो सकते हैं, जिसमें इस आमदनी का पूरा बंटवारा होता होगा, और कहां कहां किस किस पोर्नोग्राफी की किस किस साइट पर इस्तेमाल किया है, उस साइट को कहीं ना कहीं ये NCPCR के संज्ञान में भी लाएंगे, देश के स्तर पर भी कहीं ना कहीं उनको नोटिस देने की कार्रवाई होगी। तो अब इसमें दो कार्य हमारे सामने है, एक तो ये है कि कल्प्रिट हमारा पकड़ा गया है, लेकिन वो कल्प्रिट आसानी से छूट ना जाए, ऐसा पढ़ा गया है कि पहले भी एक किसी बच्चे के साथ घटना हुई थी, आत्महत्या हुई थी, उसको वो बचा कर ले गया, और वो अपने पैसे के बलबूते या जिन साधनों का उसने इस्तेमाल करके अपने आप को बचाया है, इस प्रकार से बच ना पाए, 50 के 50 केसेस हमारे सामने आए, और उन बच्चों की काउंसलिंग हो, और काउंसलिंग होने के बाद उन बच्चों के बयान हो, और बयान के आधार पर उसी प्रकार से मुकदमे दर्ज हो, पॉक्सो के अंतर्गत, जेजे एक्ट के अंतर्गत, किस प्रकार से उसने दुरुपयोग किया है, किस स्तर का दुरुपयोग किया है, कितने पैसा उसने कमाया है, किस साइट को उसने भेजा है, उस साइट ने कैसे उनका इस्तेमाल किया है, ये सारे ऐसे बिंदु अभी बैकग्राउंड में है, जिन सारे बिंदुओं को अभी बाहर आने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे उसका टेस्ट होगा, जैसे जैसे उसका परीक्षण होगा अभियुक्त का, उसके आधार पर बहुत सी चीजें सामने आएंगी, बाल संरक्षण आयोग भी उसी प्रकार से संज्ञान लेकर उसी प्रकार से कार्रवाई को सरकार के संज्ञान में लाएगा। ठीक है विशेष जी, और भी कई सारी जानकारियां हम लेंगे। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके, उमेश जैन है मेरठ से, राय रखें अपनी उमेश। हरी नमस्ते मैडम जी, नमस्कार जी, राय रखें। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था जो ये राम भवन है जेई, मैं ये कहना चाह रहा था जो ये राम भवन है जेई इरिगेशन डिपार्टमेंट में, तो डिपार्टमेंट को भी देखना चाहिए था कि क्या कर रहा है, कहाँ से पैसे ले रहा है, और कैसे गंदा खेल कर रहा है बच्चों के साथ, और बच्चों के माँ बापों को भी देखना चाहिए था कि ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इस तरह की। और पुलिस का भी काम था LIU का कि वो देखते हैं ऐसे दरिंदे को कि जिससे ये पकड़ा जाता, और लापरवाही की वजह से ये काम करता रहा और इसे सजा नहीं मिली। अब इसे ज्यादा से ज्यादा सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इन्हें छोटे बच्चों को जो है बहुत परेशान किया है। बिल्कुल,
बिल्कुल सही कहा आपने उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका के न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते जा रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। एक खास कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए लेकर के आते हैं ताकि आप हमसे जुड़ें और आपके मन में जो भी हो और आप अपनी राय रख सकें। तो बात कर रहे हैं हम जिस तरीके से यूपी का शैतान गिरफ्तार हुआ है, बच्चों के साथ इसने यौन शोषण किया, 50 बच्चों को अपना शिकार बनाया, और अगर अभी इसकी गिरफ्तारी नहीं होती तो आगे चल करके और भी बच्चे इसके शिकार हो सकते थे। 10 सालों से ये गंदा खेल लगातार ये कर रहा था, 50 बच्चों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया, उनके भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया गया, लालच दिया जाता था उनको फोन्स का, गैजेट्स का अपनी तरफ खींचने का, उसके बाद बच्चों के साथ गंदा काम किया जाता था। डॉक्टर के सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने बीमारी के बारे में बातचीत करी, बीमारी के बारे में हमें बताया, और जैसे आपने बताया कि 15 से 16 साल के बच्चों के साथ जो ये घिनौने काम हुआ है, 50 बच्चों को इसने अपना शिकार बनाया है, जो ये बीमारी के बारे में आपने बताया कि किस तरीके से इस बीमारी के बारे में हम पता लगा सकते हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो इस बीमारी का शिकार है, उसका बिहेवियर किस तरीके से हो जाता है, कुछ इसके बारे में आपसे जानना चाहूंगी। लास्ट में भी कहा है ना, तो आपने इस मुद्दे की जड़ पकड़ी है जी। देखिए, अगर हम अपने को सीमित कर लेंगे इस आपराधिक कृत्य पे जी, तो हमें इस मुद्दे को छोटा कर देंगे हम जी। देखिए, सीबीआई इसकी जांच कर रही है जी। अब ये उसमें कौन इन्वॉल्व थे, पैसा कहाँ से लाता था, फोन कितने आए, साइट कौन सी है, वो तो सीबीआई इसमें काम करेगी। बिल्कुल, और सीबीआई से बड़ी एजेंसी कोई नहीं है, उसने अपने आप पकड़ा है, किसी ने कंप्लेंट नहीं की थी। लेकिन मुद्दा ये है, इससे बड़ा कि ऐसी घटना न होने के लिए गार्जियंस को और समाज के बहुत से लोगों को ये जानना होगा कि एक पीडोफीलिया नाम की बीमारी होती है, उसको कैसे पहचाने। जैसे आपने कहा, उसको ऐसे पहचाना जाता है कि अगर कोई 16 साल से उम्र का बड़ा लड़का या आदमी है और वो बच्चों को देखकर अट्रैक्ट होता है, उन्हें अकेले कहीं जगहों पे ले जाना चाहता है, उनको गलत तरह से छूता है, तो गार्जियंस को ये बताना चाहिए अपने बच्चों को कि ऐसे लोगों से वो सतर्क हो जाएं और अपने गार्जियंस को आके बताएं, स्टेज पे उस पे कार्रवाई करें, क्योंकि ये पीडोफिलिया जो है ये एक मानसिक बीमारी है, जो इस बीमारी के शिकार हैं, इसके लक्षण उसके शरीर पे ऊपर से नहीं दिखते, उसके जो एक्शंस होते हैं, कृत्य होते हैं, उससे दिखेगा। अब ये कृत्य करेगा कब, जब इसको कोई 13 साल से कम का बच्चा अकेले में मिलेगा, तो अब किसी के सामने तो करेगा नहीं। तो पहली बात, बच्चों को बताना होगा, सबको, सारे गार्जियंस को, पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, कि इस तरह के लोग अगर आपको अकेले, चाहे लड़का हो लड़की, ये बीमारी लड़कों को भी होती है, लेडीज को भी होती है, और जो जिसको होती है वो दोनों सेक्स के बच्चों को देख के अट्रैक्ट होता है, ऐसा नहीं कि लड़कों को ही होता है, लड़कियों को ही होता हो। तो गार्जियंस को अपने बच्चों को ये बताना होगा, समझाना होगा, ट्रेन करना होगा कि अगर कोई आदमी आपको अजीब तरह इस तरह से देखता है, अलग ले जाता है, फलानी फलानी जगहों पे अजीब तरह से छूने की कोशिश करता है, आपको एकांत में ले जाता है, तो आपको इसको आके गार्जियंस को बताना चाहिए। फोन देना नहीं देना वो तो इस घटना से जुड़ी हुई बात है, वो खुल जाएगा। ये बात सही है कि गार्जियंस को ये पता करना चाहिए था कि उसके बच्चे को किसी ने फोन दिया तो क्यों दिया, बच्चे से पूछना चाहिए था। लेकिन वो महत्वपूर्ण है, घटना तो अब खुल गई, सीबीआई इसकी करेगी, लेकिन ये जो बीमारी है पीडोफीलिया, इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, क्योंकि ये होती कम है और खुलती कम है, और जिसको होती है वो कंट्रोल भी कर सकता है इसको, ऐसा नहीं है कि जिसको होगी वो आपराधिक कृत्य कर देगा। पैसे की लालसा बहुत लोगों में होती, डकैती तो सब नहीं डालते, लेकिन जब ये अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता तो असॉल्ट करता है, जब असॉल्ट करता है बच्चे के ऊपर तो वह आपराधिक वारदात हो जाती है, उस पर पुलिस आ जाती है, उसको लगता है सारी चीजें लगती हैं। लेकिन जब वो तक वो असॉल्ट नहीं किया है, वो बच्चों को असॉल्ट करने के लिए अपने जाल में बुनता है, तब बच्चों को पता होना चाहिए कि वो कैसे होता है, और उनको अपने गार्जियंस को समय पे आके बताना चाहिए। सही कहा आपने, कहीं ना कहीं बच्चों को जागरूक करने की जरूरत है अब, और सबसे बड़ी बात कि बच्चे के पेरेंट्स को जागरूक करने की जरूरत है, ताकि वो अगर उनके साथ कुछ गलत काम हुआ है तो वो अपने पेरेंट्स को बता सके, इससे बाद वो इन सब चीजों का शिकार ना हो पाए। हमारे साथ प्रतीक दुबे जी जुड़ चुके हैं, साइबर एक्सपर्ट्स हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज इंडिया में। प्रतीक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये जो
मामला हमारे सामने आया है, 50 बच्चों को जिस तरीके से शिकार बनाया गया, बच्चों के साथ गलत काम किया गया, कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया गया, उनके जो मानसिक स्थिति है उसको भी कहीं ना कहीं उस पर भी असर पड़ेगा, उनके भविष्य पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? ये चीजें शेयर करी गई हैं, प्रोफाइल इमेजेस शेयर करी गई हैं, डार्क वेब पे इन चीजों का होना बहुत ही कॉमन चीज है। डार्क वेब बनाई इस चीज के लिए है कि जो चीज ओपन इंटरनेट या ओपन डोमेन में नहीं हो सकती है वो चीज डार्क वेब के माध्यम से वो चीज लोगों के सामने लोग बेची जाए या उसको शेयर किया जाए। खैर, जहां तक मामला है पेडोफाइल चीजों का, छोटे बच्चों के साथ में यौन शोषण या उससे रिलेटेड कोई वीडियोस बनाने का है, डार्क वेब पे भी इसको बहुत गलत तरीके से नजरिए देखा जाता है। अगर कोई व्यक्ति, आप लोग जाके देखेंगे कभी डार्क वेब पे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, इसको बहुत गलत नजरिए देखा जाता है। बट लेकिन लोगों की जो सोच है वो गंदी है, गलत दिशा में लोग सोचते हैं जिनको ये चीजें, छोटे बच्चों के संग करने का कोई मतलब नहीं, लेकिन पेडोफाइल है, ऑनलाइन दिखता है ये चीज, लोग क्राइम करते हैं, क्राइम की श्रेणी में आता है और आईटी एक्ट के अंदर में ये क्राइम भी है। जी प्रतीक जी, लेकिन जिस तरीके से ये जो वारदात हमारे सामने आई है, काफी लंबा समय 10 साल से इस वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, 50 बच्चों को शिकार बनाया गया, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता काफी समय ये हो चुका है और काफी देर हो चुकी है इसमें पहुंचने के लिए? हम आपसे इस बारे में जानकारी लेंगे, लेकिन यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़ी मस्त है। GGS एजुकेशन ग्रुप लॉन्चेस 20% डिस्काउंट ऑन एकेडमिक फी ऑफ कोर्सेज MBA, BBA, BCA, BFSI एंड GM, D-Pharma, B-Pharma. ऑफर्स बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बेस्ट एकेडमिक सर्विस एंड बेस्ट प्लेसमेंट सर्विस। Register today to avail 20% discount. Call 9971-496-497 or visit the campus, Kanpur Lucknow Highway, near Unnao. GGS Education Group. खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं आज हम यूपी का हैवान की, जिस तरीके से पिछले 10 सालों से 50 बच्चों को अपना शिकार बनाया गया, उसके बाद काफी सावधानी के साथ इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है, बच्चों को लालच दिया जाता है कि बच्चे उसके पास आए और उसके बाद फिर बच्चों के साथ गलत काम किया जाता है, कहीं ना कहीं बच्चों की जो मानसिक स्थिति है उस पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा। लेकिन अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, अभी जब उससे पूछताछ होगी तो कई सारे और भी चीजें खुलकर सामने आएंगी, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, जो जो उपकरण उसके पास से बरामद हुए हैं, मोबाइल फोन्स बरामद हुए हैं, लैपटॉप बरामद हुए हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि एक बड़ा रैकेट इसके साथ जुड़ा हुआ था और कई सारे लोग इसके साथ मिले हुए थे। अभी इन सब चीज़ों का खुलासा होना बाकी है और कौन कौन इसके साथ शामिल था, इन सब चीज़ों के बारे में भी चीज़ें खुलकर सामने आने बाकी। लेकिन बात है कि 50 बच्चों को अपना शिकार बनाया जाता है, 10 सालों से इस चीज़ को
अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हो पाती, और जब तक खबर हो पाती है तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है और 50 बच्चे इस चीज का शिकार हो चुके होते हैं। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं इसी पर, कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इस पर अपनी राय रख रहे हैं और कई सारी अहम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। प्रतीक दुबे जी, आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से ये अब वारदात हमारे सामने आई है, पता चला हमें कि पिछले 10 सालों से इन सब चीजों को अंजाम दिया जा रहा था, 50 बच्चों को अपना शिकार बना लिया गया, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता काफी देर हो चुकी है, कि चूक एक लापरवाही सामने आई है कि अब जा करके ये पूरा मामला सामने आ पाया है? देखिए, लापरवाही की बात नहीं है इस चीज में, लापरवाही तो तब कह सकते हैं कि जब लोगों को पता है और उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। कोई व्यक्ति बंद कमरे में क्या कर रहा है, किसके साथ में क्या बात कर रहा है, किसको कैसे बरगला रहा है, इस चीज पे किसी कंट्रोल नहीं है। रही बात सरकार की या रही बात पुलिस की इस पे एक्शन लेने की, ये चीज जब सामने आती है तभी उस पे कोई व्यक्ति एक्शन ले पाता है। और मैं पुलिस के साथ में पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ, इन्हीं सब मैटर्स पे देख रहा हूँ, और साइबर क्राइम के क्षेत्र में इस तरीके के जो काम होते हैं जिसमें ये डार्क वेब का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब बेसिकली इसमें पॉक्सो का इस्तेमाल किया जाता होता है, यूज होता है इस एक्ट में, तो उस केस में डार्क पे कुछ चीजें पहुंच जाती हैं, उसको एनालाइज करना, उसके बाद वहां से निकालना, सोर्स पता करना, इसमें समय लग जाता है। तो लापरवाही की बात नहीं है, लेकिन इस चीज में नॉर्मली डिले होता ही होता है। लेकिन प्रतीक जी, जिस तरीके से कथित तौर पर ऑनलाइन वीडियो फोटोग्राफी की बिक्री भी किया करता था हैवान, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से वीडियो अपलोड किया करता था, तो क्या कभी साइबर क्राइम की नजर इस पर नहीं गई? आपने बोला कि समय लग जाता है, टाइम लगता है, लेकिन 10 साल का समय काफी ज्यादा होता है प्रतीक जी। हमारे यहाँ पर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि डार्क वेब पे मॉनिटरिंग करने वाली कोई भी पुलिस की यूनिट नहीं है अभी तक, यूपी पुलिस में तो अभी तक नहीं है, और बाकी एक दो जिले में शुरुआत की गई, जैसे महाराष्ट्र पुलिस में शुरुआत की गई और कर्नाटक पुलिस में शुरुआत करी गई थी, और दिल्ली पुलिस में है। इसके अलावा पूरे भारत में कहीं पर भी साइबर क्राइम में स्पेसिफिकली डार्क वेब पे काम करने के लिए कोई अलग से टीम मौजूद नहीं है। अगर वो टीम होती तो ये चीज जरूर सामने आती, फिल्टर होता और वहां तक पहले पहुंचा जा सकता था। तो लापरवाही नहीं, लेकिन ये कह सकते हैं कि अभी इसका प्रावधान ही नहीं हुआ है हमारे यहाँ पर में। तो कहीं ना कहीं अब इसको लेकर के सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है, इस अचानक से 50 बच्चों की बात जो सामने आ जाती है, कई सारी ऐसी चीजें इससे पहले भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नजर नहीं पड़ती या फिर कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, जिससे जो आरोपी है उस तक नहीं पहुंचा जा सकता है। तो क्या कहेंगे आप, अब आगे क्या कुछ करना चाहिए जिससे इन सब चीजों को रोका जा सके? देखिए, सिर्फ ये चीज नहीं, इसके अलावा में 2-3 चीजें और भी हैं जिसको एक साथ क्लब करके देखना चाहिए। डार्क वेब पे सिर्फ पेडोफाइल पे ही काम नहीं होता है, आर्म्स एंड अम्युनिशंस भी सेल होते हैं। उसके अलावा में जो लोगों की प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, जैसे आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि डॉक्टर लाल पैथलैब का डेटा लीक हो गया था, तो वो डेटा भी, इस तरह का डेटा भी इससे बेचा जाता है, खरीद फरोख्त होती है, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन भी लोगों की खरीदी और बेची जाती है इसी पे, और पेडोफाइल डेटा भी ऑब्वियसली इसी पे, पोर्नोग्राफिक मटेरियल भी इसी पे जो है बेचा जाता है, खरीदा जाता है। तो अगर इस चीज पे रोक लगानी है पूरी तरीके से, क्योंकि अब नॉर्मल वे में अब लोग मोबाइल में व्हाट्सएप से और ईमेल के द्वारा ये सब चीजों का शेयर नहीं करते, तो सब लोग सजग हो गए हैं इस चीज को लेके। तो डार्क वेब पे काम करने के लिए एक अलग से यूनिट को डेवलप करना चाहिए, एक दिन में डेवलप नहीं होगा, समय लगेगा, लेकिन डेवलप करना चाहिए इसको, क्योंकि अभी बहुत जरूरी हो गया है। जितने भी अपराधी हैं, अपराधी गण पूरी तरीके से डार्क वेब पे ही अब आते जा रहे हैं, अपनी बात करनी हो उनको, चाहे उनको सामान खरीदना हो, चाहे बेचना हो, या कोई और इलिसिट एक्टिविटी भी उनको करनी हो, तो इसको एक यूनिट बनानी चाहिए। दूसरी चीज, पॉक्सो को लेके हमारे यहाँ पर में थानों में प्रावधान तो कर दिया गया है। यहाँ पे रोकना चाहूंगे, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, चंद्र प्रकाश है कुरुक्षेत्र से, अपनी राय रखें। मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ, जिसे आप हैवान बता रहे हैं, मेरे दृष्टिकोण में जो मुद्दा आपने उठाया वो तो बिल्कुल शाश्वत सत्य है, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये मानव तस्करी से कहीं जुड़ा हुआ ना हो, और खास तौर पे बाल तस्करी से, छोटे बच्चों के अंग प्रत्यंग को बेचने का धंधा ये बंदा ना करता हो। तो आप जो है ज्वलंत मुद्दे को आपने उठाया, मगर इसकी गंभीरता को देखते हुए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ यूपी सरकार को, कि आप इसमें देखें
कि कहीं बच्चों की तस्करी तो नहीं करता ये मानव अंगों के साथ। सीबीआई इस पर लगातार काम कर रही है, लगातार पूछताछ की जा रही है, और अगर ऐसा कुछ भी सामने आता है तो उसको लेकर भी कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और आपका क्या कुछ कहना है इसको लेकर के, आपकी क्या राय आप हमसे साझा कर सकते हैं। प्रतीक जी आपके पास आना चाहूंगी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि एक पॉक्सो को लेके, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 को लेके अलग अलग थानों में जो है किसी न किसी को जो है रिक्रूट किया जाता है, रिक्रूट किया जाता है, बट इसको लेके कोई अलग से कहते ना कि एक एक्टिविटी नहीं चलाई जाती है कि लोगों को सजग करना, लोगों को बताना कि ये पॉक्सो क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, ये तो जैसे कि डॉक्टर साहब ये बता रहे थे या अभी जो आपके दूसरे मेहमान है वो बता रहे थे कि ये जो पेडोफाइल है या ये सब चीजें हैं, ये एक बीमारी के रूप में देखा जाए इसको, एक मेंटल स्टेट है लोगों का कि बच्चों के प्रति क्राइम या उनको देख के कुछ गलत धारणा लेके आना, ये तो एक मेंटल स्टेट की बात है। लेकिन इसके लिए लोग सजग किया जाए तो परिवारों को भी सजग किया जाए, बच्चों को भी सजग किया जाए, स्कूल में जैसे कि सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है उस तरीके से इसको भी बढ़ावा दिया जाए, बताया जाए कि क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छी चीज है, क्या बुरी चीज है। तो एक बचपन में से बच्चों को सिखाया जाए पहली चीज, दूसरी चीज माँ बाप को इसके बारे में बताया जाए, तीसरा ऐसे जागरूकता के कार्यक्रम भी किए जाए जिससे लोगों को जानकारी हो कि कौन क्या कर रहा है, क्या हो सकता है, क्या गलत हो सकता है। पुलिस तो सबसे बात की बात हो तो क्राइम होने के बाद में उनको पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। While someone is thinking, कोई व्यक्ति सोच रहा है इसके बारे में तो पुलिस के बारे में कुछ नहीं कर सकती है। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन जो असलियत है उसके बारे में बात कर रहा हूं। विशेष जी आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से लगातार हम बात कर रहे हैं जो बच्चों के साथ ये गलत काम हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कहीं जागरूकता की कमी आ रही है क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ ये चीजें शेयर नहीं कर पाते, उससे उनके पेरेंट्स को कुछ पता नहीं चल पाता। कहीं ना कहीं अब जरूरत है बच्चों को समझाने की, पेरेंट्स को समझाने की, जहां पर ज्यादा बच्चे मौजूद होते हैं वहां पर जाने की जरूरत है, किस तरीके से क्या कुछ गंदा टच होता है, शुरुआत से ही बच्चों को समझाने की जरूरत है ताकि अब इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो सामने ना आ पाए और बच्चे पहले से ही जागरूक रहे कि क्या गलत है उनके लिए और क्या कुछ सही है। दो बातों को समझना बहुत आवश्यक जी। 50 बच्चों को 10 साल में उसने कैच किया है और उनका इस्तेमाल किया। एक साल में लगभग 5 बच्चे होते हैं, 2 महीने में लगभग 1 बच्चा। इसका क्या तात्पर्य है, इसका मतलब ये दिमागी तौर पर बीमार नहीं है, ये बहुत शातिर भी है। शातिर इस सेंस में कि लंबे समय तक ये लोग रेकी करते हैं, परिवारों को ढूंढते हैं, परिवारों में कौन रहता है, कोई बुजुर्ग तो नहीं है, अकेला परिवार है, मजदूर परिवार है, वो बच्चे स्कूल किस समय जाते हैं, कब आते हैं, उनके घर में क्या नीड है। और वर्तमान का जो कंज्यूमरिज्म है, जो उपभोक्तावाद है, वो बच्चों को उस तरफ खींच रहा है। तमाम परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो भी कहीं ना कहीं ऐसे गैजेट्स और मोबाइल के लालच में कई बार बच्चे फंस जाते हैं। बच्चों का सामाजिकरण ठीक नहीं हो रहा क्योंकि माँ बाप के पास फुर्सत नहीं है और घर में बड़े बूढ़े हैं नहीं, तो उसमें जो फ्यूचर विजन होना चाहिए उनका, जो पीयर ग्रुप है वर्तमान में वो इतना अनुभवहीन है कि बच्चे केवल और केवल दोस्ती अपने पीयर ग्रुप से करते हैं, माँ बाप को फुर्सत नहीं है। इसलिए ये लोग बहुत शातिर है, पहले ये रेकी करते हैं, महीनों तक रेकी करते हैं परिवारों की, कौन बच्चे किस तरीके के हैं, कहाँ जाते हैं, किधर आते हैं, परिवारों को क्या नीड है। तो हमें परिवारों में बहुत सोच समझकर अपने बच्चों के एक्टिविटीज पर, उनके बच्चों के मनोविज्ञान पर, बच्चों के कम से कम उनके बैग में क्या रखा है, बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, बच्चे किस समय आते हैं, किस समय जाते हैं, हमारे माँ बाप को बहुत 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 होशियारी के साथ चीजों को देखने की आवश्यकता है। दूसरे परिवार वो हो सकते हैं जो कंज्यूमरिज्म में फंसे हैं, जो परिवार केवल बच्चों को पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर है, और जो परिवारों में तो रहते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं उनको ऐसे गैजेट्स की आवश्यकता है, और जिन गैजेट्स के आधार पर वो बच्चे अपने दोस्तों से बात कर सके, उस पे अपने तस्वीरों को शेयर कर सके या बातचीत कर सके। तो ये लोग बहुत शातिर भी हैं दिमागी तौर पर, ऐसा नहीं है कि उसने ये काम किया है 10 साल में, ये बातें सब निकल कर आएंगी। तो हमें अपने परिवारों में भी झांक के देखने की आवश्यकता है कि हमारे बच्चों का जो मनोविज्ञान है, हमारे बच्चों की जो शैली है, काम करने की शैली है, कौन दोस्त हैं, कौन दोस्त आ रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें, क्योंकि कारण यह है कि जो टीनेज है वो टीनेज इतनी नाजुक है कि वो किस तरफ जैसे भी चाहे उसको मोल्ड कर लीजिए। इसलिए आपने देखा होगा कि तमाम ये जो नकारात्मक प्रवृत्ति वाले, चाहे आतंकवादी हैं, चाहे वो नक्सलवादी हैं, छोटे छोटे बच्चों को किस प्रकार से तैयार करते हैं,
और किस प्रकार से कितनी बड़ी बड़ी नकारात्मक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। तो ये लोग भी उसी प्रकार के हैं जो मनोविज्ञान जानते हैं, परिवारों का भी, परिवारों की अर्थव्यवस्था का भी, बच्चों के कंज्यूमरिज्म में बच्चों की चाहत का भी, और बच्चे बहुत जल्दी लालच में आने के बाद, चाहे मोबाइल हो और चाहे वो और किसी लालच में हो, उसमें फंस जाते हैं। तो हमें माँ बाप को भी अपने परिवारों में, कारण ये जैसे हमारे साइबर एक्सपर्ट प्रतीक दुबे जी ने कहा कि पुलिस के पास तो तब आती है जब ये बिहेवियर बाहर आ जाता है, जब वो बच्चों के विषय में शिकायत होती है या वो व्यक्ति ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है या साइट पर आ जाता है किसी प्रकार से, तो पुलिस का काम बाद में, पहले समाज का काम है, सिविल सोसाइटी का काम है। हमारे जो नागरिक समाज है, जो प्रबुद्ध समाज है, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो समाज के इन्फ्लुएंसर्स हैं, हमें उनके बीच में भी ले जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। और तम का, और जो परिवार हमारे अकेले हो रहे हैं बिल्कुल, जिसमें जिसमें हमारे पास कोई ऐसा बुजुर्गियत हमारे पास नहीं है जो बच्चों को बता सके, उनको सिखा सके, उनको बच्चों को आगे कैसे चलना है। घर में तो आप ये कहते थे, हमारे बुजुर्ग ध्यान है कि सामने चलिए तो देख कर चलिए, ठोकर ना लग जाए, रात में चलिए तो कैसे चलिए, लोगों के बड़ों के बीच में बैठिए तो कैसे बैठिए, अपने दोस्तों के साथ में रहिए तो कैसी बात करिए। तो इन सब बातों को बताने वाला आपको, इसलिए बच्चों का जो फ्यूचर विजन है वो बहुत कमजोर हुआ है, और कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से भी उन बच्चों को लालच में ले लेता है, और लालच में लेने के बाद अपने काल का ग्रास बनाता है और किसी प्रकार से भी इस्तेमाल करता है। फिर बच्चे इतने आगे निकल जाते हैं कि वो पीछे मुड़कर जब देखते हैं तो बहुत बड़ा उनके सामने एक ऐसा नकारात्मक समाज होता है कि जिसको वो चाहकर भी उसको ठीक नहीं कर पाते। हमें कहीं ना कहीं इस बात पर भी, मुद्दों पर भी विचार करने की आवश्यकता है। बिल्कुल विशेष जी, आपने बिल्कुल सही कहा, कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को और जो पेरेंट्स हैं उनको जागरूक होने की जरूरत है, और उनको अपने बच्चे पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है उसमें सबसे ज्यादा समय जो बच्चे हैं वो मोबाइल फोन्स पर ही व्यतीत करते हैं, सबसे ज्यादा मोबाइल फोन्स का वो यूज करते हैं, और ऐसी कई सारी चीजें होती हैं जो वो करते हैं, और फिर उसमें वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं और उससे बाहर निकलना काफी मुश्किल हो जाता है। अभिषेक वाजपेयी जी, आप कुछ कहना चाहते थे, आप बात पूरी करिए। मैं कहना ये चाह रहा था कि हमारी पार्टी भी एक अभियान चलाने वाली है जिसमें सभी लोगों को, चाहे वो गांव क्षेत्र से हो या शहरी क्षेत्र से हो, हर किसी को जागरूक किया जाएगा कि कैसे बच्चों की देखरेख करना है, कैसे बच्चों को जागरूक करना है, और कैसे अपराधियों, जो मानसिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको कैसे दूर करना। हम इसके लिए स्पेशलिस्ट को भी लेकर के उनसे जागरूकता अभियान में सहयोग भी मांगेंगे। इसके लिए जल्दी हमारे यहाँ से एक अभियान चालू होने वाला है। अभिषेक वाजपेयी जी, लेकिन कब तक ये अभियान चालू होगा? क्योंकि जब ये मामला सामने आ गया तब आपने सोचा कि अब चलो अभियान बना लेते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता इससे पहले भी चीजें करनी चाहिए? अभियान हम अभियान नहीं है यहाँ पे, हर एक मुद्दे पे, चाहे वो किसी भी बेटी के लिए हो, बहू के लिए हो, चाहे माँ के लिए हो, महिला सुरक्षा पे हम हर एक मुद्दे को उठाती आई है कांग्रेस पार्टी, सरकार से इसका जवाब मांगती आई है। आप देखिए कितने लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, चाहे बुलंदशहर का हो, चाहे बरेली की घटना हो, चाहे आजमगढ़ की घटना हो, कहीं के भी। इधर मैं खुद आपको बताऊं कि झांसी की घटना पे मैं खुद गया था। ठीक है अभिषेक जी, आप हमेशा ऐसे मुद्दों को उठाते हैं, लगातार आप इन सब चीजों पर बने रहते हैं, लगातार आप विरोध भी जताते हैं और न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक जो ये घटना सामने आई उसको लेकर क्या आपने क्या किया? देखिए पहले ही इसके बारे में मैं आपको, हमारे अजय प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय कुमार लल्लू जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा हुआ, कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है, और उन्होंने इस बात की जांच के लिए भी बोला है कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि उसके साथ कौन कौन सीबीआई के हाथों में पहुंच गया है, सीबीआई ने गिरफ्तार किया, जांच तो होनी है, लेकिन 10 सालों से ये चीजें हो रही थी। जांच तो होनी होनी, वो तो मुद्दा ही है भाई जांच होने का, बिल्कुल, लेकिन गहन अध्ययन इस चीज का होना चाहिए कि पहले से ही वो 10 साल कैसे अपने पद पे जमा रहा, उसका इधर उधर क्यों नहीं ट्रांसफर हुआ, और साथ ही साथ उसके बैंक, किसी भी सरकारी कर्मचारी की बैंक ट्रांजेक्शन की डिटेल तक होनी चाहिए गवर्नमेंट के पास, इसका प्रावधान कब देखा जाएगा? अभिषेक जी, जिस तरीके से आपने बोला है कि आपत्ति दर्ज कराई है, आपत्ति दर्ज कराना बिल्कुल ठीक है, आपत्ति आपने दर्ज करा दी, जिस तरीके से आपने जांच के लिए सवाल उठा दिए, लेकिन जांच तो होनी है, आपत्ति सब लोग दर्ज करा देते हैं, लेकिन जांच तो बिल्कुल पूरी तरीके से हो जाएगी, कई सारी चीजें खुलकर सामने आएंगी, लेकिन
कोई पहला मामला ये नहीं है जो बच्चों के साथ इस तरीके की घटना सामने आई है, ऐसे कई सारे मामले आ चुके। क्या आपको नहीं लगता आपको तभी कदम उठा लेना चाहिए था या कुछ करने की जरूरत थी? देखिए हाथरस में, मैं आपको याद दिला दूं, हाथरस में हो गया, बरेली में हो गया, आजमगढ़ में हो गया और लखीमपुर में हो गया, कितनी बुलंदशहर में हो गया, कितनी जगह पे हमारे यहाँ से डेलीगेट्स गए हैं, उनसे मिल करके उनको आश्वासन दिया है, उनके हक की लड़ाई लड़वा रह रहा है। तो आप इस तरीके से मत बोलिए, हम अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निर्वाह कर रहे हैं और चाहे वो महिला सुरक्षा के मुद्दे पर हो, चाहे युवाओं के मुद्दे पर हो, चाहे किसानों के मुद्दे पर हो, हर एक मुद्दे को हम जागरूकता से उठाएंगे। ठीक है, आप हर मुद्दे को जागरूकता से उठाएंगे, आप उठाते भी, ठीक है, मिल जाएगा तब तक हम उसके साथ रहेंगे। अभिषेक जी मैं मानती हूँ, आपने बोला कि मैं हर मुद्दे को उठाता हूँ, ठीक है आप उठा रहे हैं और लगातार उठाते आ रहे हैं और लगातार लड़ते आ रहे हैं, कोई भी मुद्दा होगा आप सबको न्याय दिलाते हैं, ठीक है मैं इस बात को मान लेती हूँ, लेकिन अभी तक जो ये वारदात सामने आई है, आपने बताया कि आपत्ति दर्ज करा दी गई है, जांच के लिए कह दिया गया, लेकिन उसके बाद और कुछ किया क्या? आपत्ति दर्ज कराने से ही सब कुछ हो जाएगा, जांच के लिए सवाल उठाने से सब कुछ हो जाएगा? मैंने आपसे पहले देखिए, मैंने आपसे पहले भी अपने वक्तव्य के स्टार्टिंग में मैंने आपसे कह दिया था, शुरुआत में ही कह दिया था कि हमारे यहां से जल्द ही एक डेलीगेट जाएगा, जो भी 50 व्यक्ति, जो भी 50 पीड़ित परिवार है या उनसे अधिक के लोग हैं, उनके साथ मिल करके उनसे बात करेगी, उनको आश्वस्त करेगी और एक न्याय प्रक्रिया के अनुसार कैसे उसको न्याय मिल सके इस बात के अभियान की शुरुआत भी करेगी। ठीक है अभिषेक जी, लेकिन एक बात और मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से बच्चों के साथ हुआ है, तो क्या लगता है आपको ऐसा क्या कुछ और होना चाहिए जिससे आगे चलकर कि ये घटनाएं सामने ना आ पाए, क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? देखिए जैसा विशेष जी ने बिल्कुल बात बोली और प्रतीक, देखिए विशेष जी और प्रतीक जी ने जो बातें बोली बिल्कुल सही है, मैं उनकी बातों का सम्मान करता हूं, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा, अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा। आज की डेट में मैं खुद भी एक बच्ची का पता हूं, तो इसलिए मुझे अच्छे से पता है कि जब तक कि हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। समाज को सिर्फ हम अपराधी मानते रहेंगे, लेकिन उससे पहले हमको अपने अपने गिरेबा में झांक करके देखना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा कि वो किसके साथ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या एजुकेशन देख रहे हैं, हर एक चीज के बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए। और उससे भी पहले हमें अपने आप को जागरूक करना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों का लालन पालन कैसे कर रहे हैं। बिल्कुल, तभी हम समाज को जागरूक कर पाएंगे। अभिषेक जी कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत है कि अगर हमारा बच्चा मोबाइल फोन घर पर ला रहा है तो कहां से ये सब चीजें आई, और कहीं ना कहीं बच्चों से पूछताछ करने की जरूरत है कि उनका दिन कैसे गया और क्या कुछ वो कर रहे हैं, उनकी दोस्ती कहां, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी बनती है और जागरूक होने की बेहद जरूरत है, और बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग देनी चाहिए जिससे आगे चल करके बच्चे इस वारदात का शिकार ना हो पाए। क्योंकि सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी, अगर मैं बात करूँ जो ये जो बच्चे शिकार हुए हैं 50 बच्चे, भविष्य में किस तरीके से प्रॉब्लम इनको आ सकती है और उनकी जो मानसिक स्थिति है वो कैसी होगी, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी। 45 हो गया। जो बहस हो रही है उसे एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये एक आपराधिक घटना है, इसको तो कोई मना नहीं कर सकता, बिल्कुल, लेकिन ये सामाजिक मुद्दा है। जी ठीक, आपराधिक घटना तो अपराध खुल गया, सीबीआई बीच में आ गई, 50 बच्चों का पता चल गया, उस पे होगा। देखिए जब कभी भी कोई आपराधिक घटना होती है तो उससे हम लोगों को सबक लेना चाहिए, बिल्कुल, और सबक को सावधानी में बदलना चाहिए जी, जिससे कि उस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और लोग अपने को बचा सकें। अब आप ये समझिए कि 10 साल पहले जिस बच्चे का इसने यौन शोषण किया होगा, मान लो 8 साल 9 साल 10 साल का रहा होगा, आज वो 20 साल का होगा, वयस्क होने के बाद भी उसने इस बात को गुप्त रखा और 50 बच्चों ने रखा। ये 50 की संख्या वो है गुप्ता जी जिनका खुल गया जी। पता नहीं 150-200 और कितने होंगे जिनका अभी नहीं खुला। बिल्कुल सही कहा। तो जिनका खुल गया 50 बच्चों का, सबसे पहले उनको जो मेडिकल हेल्प की जरूरत है, उनको काउंसलिंग की जरूरत होगी। देखिए अगर समय बीत गया है, अगर कोई सेक्सुअल असॉल्ट यानी कि सेक्स के रूप में किसी के ऊपर हमला किया जाता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बिटिया हो जी, तो उसका एक इमीडिएट इफेक्ट होता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन का, और एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। तो अगर वो घटना बीत गई थोड़े दिन बाद और बच्चे ने किसी को नहीं बताया और यहाँ तक कि उसके गार्जियंस भी भाप नहीं पाए जी, तो बड़ी अजीब सी स्थिति है। इसका मतलब कोई इमीडिएट इफेक्ट उन बच्चों को नहीं हुआ। अब जो करने की जरूरत है
सोचने की बात है कि उन 50 बच्चों ने 10 साल तक किसी को नहीं बताया, तो वो क्यों नहीं बताया? इससे शायद शोध के एक पैटर्न को भी पता चले कि ऐसा भी हो सकता है, और गार्जियंस को और बाकी लोगों को भी जागरूक कर सके, डॉक्टर्स भी जागरूक कर सके, स्टडी कर सके कि ऐसा भी होता है, बच्चे ऐसी चीज होने के बाद भी छिपाते हैं तो क्यों? क्या उन बच्चों को अपने घर में कोई डर था, या वो ब्लैकमेल हो रहे थे, या क्या इशू है? कि मैं इससे अचंभित हूं कि 10 साल तक, एक दो होता है तो ठीक है, 10 साल तक 50 बच्चे मासूम होते हैं, कई बार वो घर जाते हैं तो बताते हैं कि भाई मम्मी मेरे साथ ऐसा हुआ, चाचा मेरे साथ हुआ, जिससे भी फ्री हो। अब ये मान लेना कि परिवार में किसी के पास उस बच्चे के लिए समय नहीं है और इस अपराधी के पास समय है। डॉक्टर के सिंह जी, एक और चीज, ये जो आरोपी है इसने सबसे ज्यादा अपने परिवार और जो जिनको ये जानता है, जान पहचान वाले बच्चों को ही सबसे ज्यादा अपना शिकार बनाया है। ये बीमारी है, देखिए ये सामान्य आपराधिक घटना नहीं है, ठीक, ये बहुत ही असामान्य घटना है जी। एक तो है जो परवर्ट, मान लीजिए देखो, अगर कोई परवर्ट होता है और वो आपराधिक घटना करता है जी, तो उसको बहुत बचा पाना बहुत मुश्किल होता है जी। वो तो हो जाने के बाद खुलेगी, जैसा प्रतीक जी ने बताया। लेकिन अगर कोई एक मानसिक बीमारी है, उसमें 13 साल से छोटे बच्चों के लिए उस बीमार व्यक्ति को जो मानसिक रूप से एक अट्रैक्शन पैदा होता है, उसकी तरफ वो सेक्सुअल रूप से आकर्षित होता है, कुछ लोग उसको नियंत्रित कर लेते हैं अपने आकर्षण को, समझते हैं कि गलत है, कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं तो पहले बच्चे को समझा बुझला के करते हैं जी। जो उससे भी बच्चे नहीं मानते तो असॉल्ट करते हैं, यानी उस पर हमला करते हैं। तो अब इसने या तो समझा बुझा के किया या हमला किया, और ऐसा नहीं कि एक बार करके चला गया, बच्चे भूल गए, 10 साल तक करता रहा। तो ये एक नई चीज आई है, एक नए तरीके से हम लोगों के सामने आई है। तो इसमें चाहे विशेष जी का हो, प्रतीक जी का हो, कांग्रेस का हो, किसी का भी हो, इसमें होना ये चाहिए कि वाकई उस पैटर्न का पता चले कि बच्चे ब्लैकमेल हो रहे थे या क्या था, या मानव तस्करी जो कोई कह रहा है। मैं तो नहीं समझता कि मान लो कोई 10 साल पहले बच्चा 10 साल का था, आज 20 साल का हुआ, तो उसमें 2-4 बच्चों के मन में ये नहीं आएगा कि इस आदमी ने ऐसा किया है तो हम लोग इसको सबक सिखाएं जिससे ये दूसरों को ऐसा ना कर पाए। तो ये इस चीज को करने की जरूरत है, उन बच्चों से बात करने के बाद ही इन लोगों को पता चलेगा। उन बच्चों की गोपनीयता रहनी चाहिए, उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए ये जो हुआ है तुम्हारे साथ एक आपराधिक कृत्य है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, बिल्कुल, और तुम इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम्हारा जीवन सामान्य चलेगा, सामान्य से अच्छा भी चलेगा, आप इससे सबक लो और बाकी लोगों को जागरूक करो। बिल्कुल के सिंह जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कहीं ना कहीं जो बच्चों के अंदर एक डर भी कभी कभी हो जाता है, जिससे वो अपने पेरेंट्स से ये सब चीजें शेयर नहीं कर पाते, तो उस डर को बाहर निकालने की जरूरत है। और पेरेंट्स को इतना फ्रेंडली होना चाहिए अपने बच्चों से, ताकि वो हर एक चीज अपने पेरेंट्स से शेयर कर पाए और बच्चे ऐसी चीजों के शिकार ना हो पाए। विशेष जी, आपके पास आना चाहूंगी। अगर मैं बात करूँ बाल संरक्षण आयोग की, तो आगे आने वाले समय में क्या कुछ आपकी तरफ से कदम उठाए जाएंगे, और क्या उम्मीद हम कर सकते हैं कि आगे आने वाले समय में ऐसी घटनाएं नहीं हो पाएंगी? देखिए, बाल संरक्षण आयोग का काम कॉग्निजेंस लेना है जी। अब चूंकि ये पूरी घटना बाहर आ चुकी, हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या अब ये है कि जो आपराधिक घटना का दंड मिलेगा वो तो सीबीआई और जो भी सारी चीजें इसकी जानकारी सामने आएगी वो तो दंड निर्धारित होगा जी। और दंड भी ऐसा होगा निश्चित तौर पर जो मेमोरेबल होगा जी। अब हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो बच्चे हैं 50, इन बच्चों की उम्र चाहे जो हो, इनके विषय में पता लगे, चाहे मुझे लगता है कि बहुत से बच्चे प्रौढ़ हो गए होंगे जी। और बहुत से बच्चे ऐसे रहे होंगे शुरू में, जिस प्रकार से दोस्ती का आवरण इस व्यक्ति ने उनके सामने लाया होगा, ढका होगा, लालच दिया होगा, और उसके बाद जिस प्रकार से शोषण करके उसकी तस्वीरें इनको दिखाई होगी, उसके मस्तिष्क में कहीं ना कहीं वो भाव आज भी भय के मौजूद होंगे, और उन्होंने दिखा और पुराने उदाहरण भी दिए होंगे कि हमारे पास देखिए ये बच्चे हैं आज तक कुछ नहीं बोल पाए, और आगे आप पढ़ने वाले हो या आगे आप काम करोगे, नौकरी करोगे, अगर ये चित्र आपके सामने आ जाते हैं तो आपका कैरियर बर्बाद कर देंगे, आपको सबको बर्बाद कर देंगे। कहीं ना कहीं वो जो भय टीनेज में था वो कहीं ना कहीं मैच्योर हो गया, और वर्तमान में भी वो कहीं ना कहीं भय की जिंदगी जी रहे होंगे। ये बात काउंसलिंग से पता लगेगी। अभी हम एक पत्र जल्दी लिखने वाले हैं जिलाधिकारी महोदय को कि वो डीपीओ के माध्यम से, महिला कल्याण बाल विकास के माध्यम से उन सभी बच्चों को खोजे, और खोजने के बाद हमारे पास बाल कल्याण समिति है, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, हमारे पास पुलिस के बाल संरक्षण अधिकारी है, उनके सबके ग्रुप बने हैं,
उस ग्रुप के माध्यम से काउंसलिंग होती है, हमारे पास आती है, हम फिर उसको जो नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन है उसके साथ शेयर करते हैं, वो फिर भारत सरकार के साथ शेयर होती है, हम राज्य सरकार के साथ शेयर करते हैं। तो हमारे सामने दो रास्ते हैं, एक तो ये है कि इन बच्चों का पुनर्वासन हो, इन बच्चों के कारण ये है कि इन बच्चों के मस्तिष्क में अब ये बात बताने की आवश्यकता है कि तुम्हारा जो शोषण करने वाला था वो पकड़ा जा चुका है, तुम्हें किसी प्रकार का भय होना नहीं चाहिए, इसलिए खुल के अपनी बात बताओ ताकि आगे की हमारी जनरेशन बच सके। और आगे के लिए हमें कहीं ना कहीं नीचे के स्तर पर जेजे एक्ट में स्पष्ट लिखा है कि गांव के स्तर तक, ब्लॉक के स्तर तक बाल संरक्षण समितियां होंगी, उसमें उसमें गांव के इन्फ्लुएंसर्स भी होंगे, उसमें प्रधान भी होंगे, उसमें बाल संरक्षण समिति के सदस्य भी होंगे, उसमें आशा कार्यकर्ती भी होंगी, जो कम से कम अपनी उस गांव अपनी आसपास की घटना घटित होने वाली उस पर नजर रखेंगी, और नजर रखने के बाद अपनी जो जनपद स्तर की समिति या महिला कल्याण बाल विकास है वहां तक जो चीजें आएंगी, तो वो कनेक्टिविटी अभी बन नहीं पाई है। जेजे एक्ट 2000 में आया, 2007 में नियम लागू हुए, उसके बाद 2012 में हमारा पॉक्सो एक्ट आया, उसके बाद धीरे धीरे हमारा जेजे एक्ट दोबारा निर्भया कांड होने के बाद फिर 2015 में रिवाइज हुआ, उसके बाद उसके नियम अब 2016 में स्टेट में लागू हो रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता है जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी बच सके। उस समन्वित प्रयास में शासन प्रशासन के लोग भी हैं, उसमें सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं, उसमें हमारे साइकेटिक्स भी हैं, उसमें हमें साइबर एक्सपर्ट भी हैं, और उसमें हमारे ऐसे समान सोच के लोग हैं जो चाहते हैं कि समाज बेहतरी हो। तो हमें दोनों स्तर पर काम करना पड़ेगा, इन बच्चों का पुनर्वासन हो, इनके बच्चों के मन से भय निकाला जाए कि भाई अब टारगेट पकड़ा जा चुका है, उसका भय मन से निकालकर खुलकर हमें ऑब्जेक्टिवली वस्तुनिष्ठ रूप से हमें वो बात बताइए कि आखिरकार किस प्रकार से इन्होंने इन बच्चों को फांसने की कोशिश, कैसे दोस्ती की, कैसे इन बच्चों को लालच दिया, कैसे इन बच्चों को गैजेट्स दिए और बाद में इनकी तस्वीरें खींची, इनके साथ गलत काम किया, और उसकी तस्वीरें, पिक्चर, वीडियो सब मौजूद होंगी, कहीं ना कहीं वो निकल कर आएंगी। बिल्कुल विशेष गुप्ता जी, बिल्कुल आपने सही कहा, कहीं ना कहीं अब एक उम्मीद हम कर सकते हैं कि आने वाले भविष्य में बच्चों के साथ इस तरीके की घटनाएं नहीं हो पाएंगी। आपकी तरफ से जो चीजें बताई गई हैं उस पर काम होगा तो हमारे जो बच्चे हैं आने वाले समय में इन चीजों का शिकार नहीं हो पाएंगे। कहीं ना कहीं जागरूकता की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे पास समय की पाबंदी है। चर्चा के लिए, अधिक जानकारी देने के लिए डॉक्टर के सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विशेष गुप्ता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रतीक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम बात कर रहे थे यूपी के हैवान की, जिस तरीके से इसने 50 बच्चों को अपना शिकार बनाया है, 10 सालों से इस वारदात को अंजाम दे रहा था, बच्चों को लालच दिया जा रहा था, लेकिन अब ये हैवान गिरफ्त में है और अब पूछताछ की जाएंगी, कई सारी चीजें खुलकर सामने निकल कर आ पाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पेरेंट्स को जागरूक होने की जरूरत है, बच्चों को समझने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं उनसे इतना घुलने मिलने की जरूरत है कि आपके बच्चे आपसे कुछ छुपा ना पाए। सुबह बोलेगा, मैं फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए के न्यूज इंडिया, नमस्कार। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।